बगे का तो नहीं ना एकदम ये वाली जो ईट बाहर निकल रही ना भाई साहब, अभी इसमें से मुंह निकाला उसने बाहर। हाँ यही तो पिछली बार भी ऊपर चढ़ के मैंने कोशिश करी थी। गेप है क्या वहाँ पे भी? अरे बहुत गेप ही गेप है, उसको दीवार में फिर चला गया। आया वो गया बाहर से था, मतलब अंदर से नहीं आया था वो। देखा पकड़ ले पकड़ ले उसको। तो दोस्तों आज हम आए थे सुभाष मार्ग, मंडी थाना क्षेत्र है, उसके जस्ट पास में ये कॉलोनी है। और इससे पहले भी मैं यहाँ पर इस गोरे को पकड़ने के लिए दो बार आ चुका हूँ, तो ये पकड़ में आ चुका है, देखिए आप। तो चलिए पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं और फिर आपको जानकारी देते हैं, और लोगों को काफ़ी डर लगता है इससे, तो पहले इसको साफ करते हैं दोस्तों। खतरनाक होता है, तो दोस्तों आप देखिए, चूंकि गंदगी में रहते हैं तो हमने थोड़ा इसको साफ किया है, और आपको पास से दिखाते हैं एक बार। काफ़ी अच्छी साइज में है, तकरीबन एक हाथ से थोड़ा सा कम, और हम कहेंगे कि 1.5 फीट के समथिंग इसकी पूरी लेंथ है। और लोगों को डर लगता है कि काफ़ी विषैला, काफ़ी जहरीला होता है, और इसमें इसके काटने से
तुरंत मौत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, हर बार हर वीडियो में हम आपको यही बात बोलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी मिथ हैं इसको लेकर हमारे भारत देश में, और लोग इसे डर की वजह से ऐसा समझते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरती है, इसके फूंकने से अंधे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक सिर्फ मॉनिटर लिजर्ड एक नॉर्मल लिजर्ड है। हाँ, इसके मुंह के अंदर, इसकी लार के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर ये बाइट कर लेगा तो हो सकता है आपको वहाँ पर कोई घाव हो और कोई संक्रमण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपको एक बार फिर से पास से दिखाते हैं, एक बार ऊपर से दिखाते हैं, और किस तरह से आप ये देखिए इसका मुंह। लेकिन पूछ से तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इसके ऊपर आप डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन होती है। आप इसके ऊपर डिज़ाइन देख सकते हैं, और कोई इसे चंदन गोयरा, विष खोपड़ा, घोरपड़, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे ये जीव किसी को काटते नहीं, ज़बरदस्ती जब आप इन्हें छेड़ेंगे, पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ये जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो ही बाइट करते हैं, अदरवाइज़ ये बाइट भी नहीं करते हैं। इंसानों की मौजूदगी में ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हम आए थे सुभाष मार्ग, जितेंद्र जी हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था, और इनके इस एरिया में, गार्डनिंग एरिया में जो है ये मॉनिटर लिजर्ड था, तो हमने रेस्क्यू कर लिया है और इसको वापस अभी हम जल्दी से जल्दी प्रकृति में मुक्त करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। दो मिनट अमित भैया के लिए कुछ कहना चाहूँगा। इनका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। गोरे के बारे में तो जानकारी है सही, लेकिन मैं अमित भैया के लिए भी ये बोलूँगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य केवल मानवता के लिए नहीं बल्कि जीव दया दोनों के लिए कर रहे हैं, और बहुत सराहनीय कार्य है, जिनके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे इतना सहयोग किया, और इसी तरह बस जीवों को बचाने में हमारी मदद करते रहे। और मेरा काम है दोस्तों इन जीवों को बचाना, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि इन जीवों को पहचानें, समझें, और बेवजह ना मारें, क्योंकि प्रकृति में इन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। जिस तरह आप जीते हैं, इस तरह ये प्रकृति, ये धरती भी इनकी है, तो इन्हें जीने दिया जाए। तो दोस्तों जार में करते हैं इसको।